अकारण ही सुख हो सकता है, कारण से तो कभी सुख हुआ ही नहीं है। यह बड़ी मुश्किल बात है। मस्तों की परंपरा कहती है कि कारण से तो कभी सुख हुआ ही नहीं है, सिर्फ वहम होता है, कारण से सदा दुख होता है। जब आप कारण में सुख खोजते हैं, किसी और में, किसी वस्तु में, किसी घटना में, किसी व्यक्ति में, तो अंतिम परिणाम सिवाय दुख के और कुछ नहीं हो पाता। दुख ही दुख होता चला जाता है। पत्नी पति में सुख खोज रही है, मां बेटे में सुख खोज रही है, बाप बेटे में, बेटी में सुख खोज रहा है, संबंधियों में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, कहीं और। अपने को छोड़कर हम सब सुख खोज रहे हैं कहीं और। मजा यह है कि जिनमें हम सुख खोज रहे हैं वे खुद कहीं और सुख खोज रहे हैं। सब कहीं और गए हुए हैं, इसलिए किसी का भी किसी से मिलना ही नहीं हो पाता, होगा भी नहीं। और जो कारण में खोज रहा है वह आज नहीं कल गहरे से गहरे दुख में पड़ता जाएगा, क्योंकि हर बार आशा बंधेगी कि यह कारण सुख देगा, और जब मिल जाएगा तब आशा टूट जाएगी। ओशो की रचना पढ़ने की कोशिश की। धन्यवाद।